खुशी मिसेस बोला, अरे सिमी ये खाना है ना फ्रिज में रख दे, सवेरे सवेरे ना बच्चों को खिला देंगे। उसने कहा जी मम्मी। वो उधर किचन की तरफ गई, मैं मुझे लगता है आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे हाथ का कॉफी पी, कॉफी इस टाइम पे पूरी रात जगाई है क्या? अयो मेरे हाथ का कॉफी, सुपर कॉफी, मैं तुम्हारे किचन में कॉफी बनाती सबके लिए। निशिता ने कहा अम्मा यू सीरियस कॉफी ये टाइम पे? चलो ना कॉफी पी के जाते हैं, सबके लिए कॉफी बनाती। रूही ने कहा इशिमा पापा कब आएंगे? आई मिस हिम। इशिता ने कहा आई नो बेबी आई मिस हिम टू। सिमी यहाँ से चलती, अरे प्लेन में ना हिचकियां आने लगी उसको, और पता चला कि उसे कंट्रोल नहीं हुआ और कल आने की वजह आज ही कहीं प्लेन ना आ जाए उसकी। सब लोग हंसने लगे जोर से और इशिता ने बच्चों चलो जाओ तुम लोग चेंज करो भाग यहाँ से। और बच्चे भाग गए। सब लोग आए मिसेस वल्लभ। खाना जाके तुम इसमें रख दो, फ्रिज में, बच्चों को कल दे देना मांगेंगे तो। ठीक है तेरी माँ, चलो चलते और बताओ। अरे किसको देख रहे हो? कोई नहीं मिले, चलो ना ना सुन माँ। अल्लाह जी हम लोग चलते हैं, गुड नाइट। मुझे लगता है हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे हाथ का कॉफी पी के। कॉफी तो दिस समय एक्शन। मिसेस भल्ला तो पूरी रात जगाएगी क्या तू? अयो मेरे हाथ का कॉफी, सुपर कॉफी। संतोषी मैं तुम्हारे किचन में कॉफी बनाती सबके लिए, सेलिब्रेट करेंगे। इशिता ने कहा इशि अम्मा यू सीरियस कॉफी ये टाइम पे? रोही ने कहा कॉफी पीना है। वेल एक्चुअली हम लोग सब जीजू का इंतजार कर रहे हैं। रमन जीजू अभी काफी दिन हो गए, आई थिंक 10-12 दिन हो गए अमेरिका गए हुए, और हम उनका इंतजार कर रहे हैं और हम सब बाहर खाना खाने गए हैं। बेसिकली सेलिब्रेशन मोड है। तो हम लोग आते हैं और मैं नोटिस करती हूँ कि मेरी जो पहली अम्मा है वो बहुत उतावली हो रही है कि जाना नहीं है। अरे रात हो गई, खाना हो गया, सब हो गया, भी जाना क्यों नहीं? तो वही सीक्वेंस बस अभी शुरुआत उसकी हुई। रियल लाइफ में भी रमन और करण पटेल घूम रहे हैं और सीरियल में भी कहीं ना कहीं उनका इंतजार हो रहा है। हाँ रियल में भी वो घूम रहे हैं, हॉलीडे पे है। तो या आई मीन कभी कभी ऐसे शो में हो जाता है कि आपकी रियल और रील चीजें मैच हो जाती है, और आई थिंक उनके साथ यही हुआ है। तो हम बस वेट, एक्चुअली वी आर मिसिंग हिम नाउ, अभी बहुत दिन हो गए, मिस कर रहे हैं करण को, तो बस एक दो दिन में आ जाएगा वो। फाइनली इशिता का प्लास्टर खुल गया है जी, तो आपकी दिलों से बहुत रिलीफ है एक्चुअली मोर देन एनीथिंग, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप फिजिकली इनकेपेबल हो जाते हो, तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड आई थिंक दिव्यांका पर्सनली भी उस बात से यू नो वो बहुत, वो इतनी एक्टिव और इतनी व्हाट डू आई से, शी सच एन इन्वॉल्वड पर्सन, वो इतनी एक्टिव है तो एकदम से रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो अभी वो भी थोड़ी सी खुश हो गई है, वो बेचारी वो स्टिक लेके चल रही है, वेट कर रही है, हम सब वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यू नो वी कैन ऑल, हम घूम सकते हैं, फिर बाहर जा सकते हैं, वी जस्ट वेट। यहां के जो डायरेक्टर राइटर काफी अच्छे हैं, क्योंकि रियल लाइफ से जो हो रहा है वही सीरियल में हो रहा है जी। अच्छा होता है कितना एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा नाम जो है मीका ही है, तो मैं तो अपने उससे बोलूंगी कि वहीं से शुरुआत हुई है मेरे लिए एटलीस्ट। और दिव्यांका के लिए हाँ, क्योंकि उसकी इंजरी काफ़ी सीरियस थी, आई मीन वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स, तो वो तो चल भी नहीं पा सकती थी, तो दे हैड टू डू इट। और अब एक्चुअली क्या है ना, हम सब एक फैमिली हो गए हैं, हमारे जो हम सब एक फैमिली हो गए हैं, हमारे जो क्रिएटिव्स हैं, राइटर्स हैं, वो हम एक फैमिली जैसे हो गए, तो वो हमारी हर बात को एडजस्ट कर लेते हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने ऑलमोस्ट 1.5 साल तक ये मुझे को इतना पसंद किया, और अपनी मोहब्बतें कम मत कीजिएगा, हम आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू।